डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स टाइम टू लर्न। दोस्तों आज हम सब लोग कोरोना जैसी महामारी को फेस कर रहे हैं और इस पैंडेमिक सिचुएशन में समय को हम लोग कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, इट इज़ जस्ट डिपेंड ऑन अस। दोस्तों मैं आर्किटेक्ट बीएल कुमावत आप लोगों के लिए आज कंस्ट्रक्शन के बेस्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ, जिसमें से आज हम लोग मकान का जो बेस है फाउंडेशन पार्ट, उसकी 10 कुछ मेन इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा घर की फाउंडेशन के बारे में। दोस्तों जब भी आप घर की फाउंडेशन में काम करवाते हैं तो वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, या कह सकते हैं कि सही मजबूत फाउंडेशन बनानी है तो कौन सी बातों पे ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ साइट पे जो गलतियां होती है वो दिखाने वाला हूं, जो कि आप प्रैक्टिकल देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। आप वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो के एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो भी काम चल रहा है वो फाउंडेशन का एक्सीवेशन, जो कि फुटिंग काम चल रहा है, जिसको आप प्रैक्टिकली साइट पे देख रहे हैं। दोस्तों पहला पॉइंट जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, फाउंडेशन का जो साइज है, जो घर का मेन बेस होता है, जो कि कितना और गहरा कितना चौड़ा होना चाहिए, तो मैं नॉर्मल साइज जो बेसिक साइज है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। इसकी गहराई 4 फीट मिनिमम होनी चाहिए और लंबाई चौड़ाई जो 4x4 फीट की कम से कम होनी चाहिए। एक अच्छा फाउंडेशन का बेस बन जाता है, जो कि 1 से 2 मंजिल तक का मकान बना सकते हैं। अगर इसे ज़्यादा बनती है तो इसका फुटिंग का जो साइज है एज पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा आपको, PCC का काम, जो कि मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि घर का जो फाउंडेशन देते हैं तो PCC नहीं करते हैं। अभी आप देखो इस वीडियो में एक जाल बिछा हुआ है, उसके नीचे ईंटें लगाई हुई है। जनरली लोग क्या करते हैं, नीचे PCC नहीं करते हैं तो नीचे का बेस प्रॉपर नहीं होता है। अगर हम लोग अगर PCC करेंगे तो कॉलम का जो बेस है वो प्रॉपर तरीके से बन जाएगा और कॉलम को भी एक प्रॉपर एक सरफेस मिलेगा। अच्छे से PCC करनी है, खुदाई की बात करूँ तो 4 से 6 इंच की PCC की थिकनेस होनी चाहिए, जो कि एक नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा फिर डिपेंड करता है सोइल कैपेसिटी कैसी है। अब मैं देखो सरिये की जो भी बात करूँ, सबसे पहले नीचे का सरिये का जो बेस बनता है जिस पे कॉलम टिकेगा, तो उसका भी आपको ध्यान लेके चलना है कि आप उसमें ऐसे नहीं कि नाम के लिए केवल सरिया लगा रहे हो नीचे, उसका प्रॉपर तरीके से PCC करके उसको प्रॉपर तरीके से स्टैंड करेंगे तभी कॉलम को स्ट्रेंथ मिल पाएगी। आप देखो इस फुटिंग का के अंदर दोनों तरफ के जो सरिया है, दोनों तरफ के जाल में सरिया प्रॉपर बैंड किया हुआ है, जो कि अच्छी तरह से इस चीज़ को पकड़ पाएगा। इन दो जाल के सरिये है, इनके बीच की दूरी कम से कम 4 से 6 इंच की होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीडियो में कॉलम जो है प्रॉपर तरीके से PCC करके प्रॉपर जाल की फुटिंग करी हुई है जिस पे कॉलम टिका हुआ है। जब आप कॉलम में सरिया बांधते हैं तो हमारे ये जो बैंड होते हैं, इसकी जो ये लेग दिख रहा है, इसकी लेंथ विड्थ कितनी होनी चाहिए जिसके थ्रू हमारा कॉलम खड़ा रहता है फुटिंग पे। अब मैं आपको बताऊं तो ये जो लेग है वो 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए, 1 फीट से 1.5 फीट के लगभग होना चाहिए कम से कम, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वीडियो में जो दिख रहा है आपको ये कॉलम, इस कॉलम में देखो छल्ले दिख रहे हैं आपको, रिंग देखो जो स्टेरिप की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जिनके पास पास में डिस्टेंस होनी चाहिए। जहाँ तक हमारा प्लिंथ लेवल नहीं आता तब तो इनकी जो बीच की दूरी है वो 4 से 6 इंच की होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा फुटिंग की। जब हम लोग फाउंडेशन कास्ट करते हैं, फाउंडेशन के कास्ट करते समय में जो कंक्रीट का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, वो हमारा M20 होना चाहिए। M20 क्या होता है मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि आप एक सीमेंट, 1.5 सीमेंट और एग्रीगेट जो कंक्रीट होती है वो 3 होता है उसका, इनका ये रेशियो होता है। मतलब इनका अगर हम रेशियो तगारी के हिसाब से भी करें तो 1 तगारी सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट 3 उसका गुना होता है। दोस्तों आपको ये प्रॉपर तरीके से मशीन से मिक्स जरूर करवाना, उसके बाद में ही इसको कास्ट कराएं।
और इसमें ज़्यादा पानी का लेवल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इस कंक्रीटिंग को मिक्स करके डालना चाहिए। दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप कंक्रीटिंग कर लेते हैं हम, तो फाउंडेशन का प्रॉपर तरीके से हमें शेप देना होता है। वो रहेगा आपका ट्रेपेजोइडल फुटिंग फेस। होता क्या है, हम फाउंडेशन को जो भी शेप देते हैं, उस शेप देने की जो वर्किंग होती है उसको ट्रेपेजोइडल कहते हैं। अब देखो इसमें प्रॉपर तरीके से मैं वाइब्रेटर चला के इसको प्रॉपर तरीके से शेप दे रहा है। इस फोटो में जब आप देख रहे हो कि मिस्त्री इसमें कंक्रीट से अपनी करनी से इसको प्रॉपर तरीके से शेप दे रहा है, यही हमारा ट्रेपेजोइडल जो भी होता है। दोस्तों जब भी आप ट्रेपेजोइडल बनाते हैं तो ध्यान रखें ट्रेपेजोइडल का ऊपर का जो ऑफसेट है कम से कम वो 2 से 3 इंच होना चाहिए, जो कि ऊपर का जब हम लोग स्टार्टअप करेंगे या फिर मान लो फर्मा बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से उसमें कास्टिंग हो सके। दोस्तों मैं आपको बताऊं ट्रेपेजोइडल की हाइट कम से कम 1.5 से 2 फिट होनी चाहिए। हाँ, गड्ढे की गहराई से कोई मतलब नहीं है, इसके 1.5 से 2 फिट कम से कम अपने को डेप्थ होने चाहिए, जो कि ये जरूरी बातें थी जो कि हमें फाउंडेशन करते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। केवल नाम के लिए ही हम लोग फाउंडेशन का काम नहीं कर रहे हैं, घर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है जिसमें पूरा हमारा प्रोजेक्ट टिका रहता है। हमें भी इस ऐसे ही हमारे घर पे जो भी फाउंडेशन वर्क होता है उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग करवाएं। तो ये सब फाउंडेशन के बारे में था, आगे की वीडियो के बारे में भी हम लोग कंस्ट्रक्शन के कुछ सारे ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।